तो ये वीडियो जो आप देख रहे हो, ये वीडियो का बजट 1.5 लाख से ऊपर का है, तो वीडियो को पूरा ही देख लेना बेहतर हो। हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आसिक हम व्लॉग्स एंड स्वागत है बंदा आपकी खिदमत में। ये उनके लिए था जो कह रहे थे कि आपकी आवाज़ में थोड़ा जोश नहीं है, तो जोश आ गया। अब मुद्दे की बात करते हैं। जब मैं ये कैमरा ले रहा था, यानी कि GoPro Hero 8 ले रहा था, तब बहुत लोग बोले थे कि अपना iPhone XR को एक्सचेंज करके iPhone 11 Pro ले। उसका रीज़न ये है कि मैंने iPhone 11 Pro भी यूज़ किया हुआ है एंड GoPro Hero 8 भी यूज़ किया हुआ है, मतलब फुटेज दोनों का देख सकते हो, दोनों बहुत टक्कर के खिलाड़ी हैं। लेकिन जज तो सामने बैठा है, तो जज पेश करता है आप सबके लिए एक बेहतरीन मैच, GoPro Hero 8 वर्सेस iPhone 11 Pro। तो माहौल थोड़ा बनाते हैं, दोनों के कंपैरिजन करते हैं, जहाँ नहीं बाहर। डाउट मेरे मन में हमेशा रहता था, और ऐसे भी जब मैं कैमरा ले रहा था तो मेरे मन में हमेशा था कि मैं अपना फ़ोन को एक्सचेंज करके iPhone 11 Pro लूँ या फिर GoPro Hero 8 लूँ। तो ये डाउट मैं सोचा कि क्लियर कर ही देता हूँ कि GoPro Hero 8 अच्छा होता है या iPhone 11 Pro अच्छा होता है वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि मुझे भी क्यूरियोसिटी थी ये बात जानने के लिए। फिलहाल अभी मेरे पास iPhone 11 Pro भी है एंड GoPro Hero 8 भी है, जो कि लीनियर मोड में शूट हो रहा है GoPro Hero 8, एंड iPhone 11 Pro नॉर्मल मोड में शूट हो रहा है 1080 60 फ्रेम पर सेकेंड, एंड GoPro Hero 8 भी शूट हो रहा है 1080 60 फ्रेम पर सेकेंड में। लेकिन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो हो सकता है कि वाइडेस्ट रेंज जो भी है उसमें दोनों में फ़र्क हो, क्योंकि अब कैमरे का बात है तो कैमरे के बाद में थोड़ी बहुत तो गेम्स अलग हो ही जाती हैं, एंड फ़ोन तो फ़ोन ही रहता है चाहे जो भी बोलो। तो लेस टेस्ट दोनों को, और कुछ सिनेमैटिक शॉट लिया जाएगा iPhone 11 Pro से, कुछ GoPro Hero 8 से, एंड कंपेयर करके देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। टाइमलेस में आप सबको दिखा रहा हूँ वो iPhone 11 Pro का है, जिसमें काफ़ी स्मूथ फुटेज दिख रही है एंड लेकिन कलर्स बहुत ही निखर के आ रहे हैं। हालांकि दूसरे टाइमलेस में देखा जाए तो GoPro Hero 8 का जो टाइमलेस है, इसमें हाइपर स्मूथ 2.0 मैंने ऑन नहीं किया है, फिर भी काफ़ी स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे कैमरा और मोबाइल का कंपैरिजन हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मोबाइल भी कैमरा को काफ़ी अच्छा टक्कर दे रहा है। फुटेज जो है ये iPhone 11 Pro का नॉर्मल फुटेज है, जिसमें आप देख सकते हो ब्रिज काफ़ी सीधा दिख रहा है, इसमें कोई भी कर्व नहीं दिखेगा। एंड फिश आई इफेक्ट होता है GoPro Hero 8 में, मतलब कोई भी GoPro में, जिसमें आप फिश आई इफेक्ट देख सकते हो, एक कर्व टाइप का दिखेगा ब्रिज। FPS पे दोनों का अगर शूट किया जाए तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि iPhone 11 Pro का जो फुटेज है वो बहुत शेकी टाइप का दिखेगा। हालांकि मैंने रनिंग सेम हैंड से, सेम साइड से लेकर और सेम एरिया में किया था तो काफ़ी शेकी दिख रहा था, भैया हीरो 8 का उतना शेकी नहीं था 120 FPS पे भी। नॉर्मल मोड पे अगर मैं रनिंग करूँ स्टेबिलिटी टेस्ट देखने के लिए, तो मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि iPhone 11 Pro का भी स्टेबिलिटी ठीक ही है, लेकिन Hero 8 के कंपैरिजन में स्टेबिलिटी के मामले में बिल्कुल भी नहीं जी सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे हाइपर स्मूथ 2.0 भी ऑन नहीं किया था, फिर भी काफ़ी डिफरेंस आप देख सकते हैं दोनों के फुटेज में। एंड में तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि कैमरा कैमरा होता है एंड फ़ोन फ़ोन होता है, दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। मैंने किसी भी मामले में GoPro को नीचे दिखाने का कोशिश नहीं किया, मैंने बस ये कोशिश किया है कि iPhone एट सम पॉइंट GoPro को टक्कर दे सकता है एट सम पॉइंट। मैंने हाइपर स्मूथ 2.0 ऑन नहीं किया था GoPro का, वरना स्टेबिलाइजेशन के मामले में तो GoPro बाप है, सबको पता है। बाकी मैं ये बोलना चाहूँगा कि आजकल के फ़ोन्स भी किसी कैमरे से कम नहीं होते। मेरा जो कंटेंट है उसमें ट्रैकिंग, अंडर वाटर और मोटो व्लॉगिंग वगैरह इंक्लूडेड है, तो GoPro के बिना वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती थी। और बाकी मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास फ़ोन है जिसके पास कैमरा है, तो बस कंटेंट चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। इस वीडियो को ही एंड करता हूँ। अलविदा शुक्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज आसिक हम व्लॉग्स, सी यू अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो। एंड आपका भाई है तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल को दोस्त हुआ न्यू कैन सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दो, एंड बस चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में कुछ ज़्यादा ही शो नहीं मार दिया मैंने? मुझे भी ऐसा लगा, आज थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो खैर, ये जो वीडियो थी ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, एंड ये वीडियो व्लॉग्स के लिए ज़्यादातर एप्लीकेबल रहेगी, बाकी आपकी मर्ज़ी।